العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم. یہ سورۃ رعد کی 22 آیت ہے اور 26 آیت تک میں نے تلاوت کی, رکوع ختم ہو گیا. قرآن پاک کے اوپر آپ دیکھیں گے رکوعات کے نشانات ہیں, اور صفحے کے ایک طرف کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف عین لکھا رہتا ہے, ایسے عین لکھا رہتا ہے. عین کے سر پر بھی کچھ لکھا رہتا ہے, عین کے پیٹ میں بھی اور عین کے نیچے بھی. یہاں جو عین لکھا ہے عین کے سر پر 3 لکھا ہے اور عین کے پیٹ میں 8 لکھا ہے, 8 کا حصہ, اور عین کے نیچے 9 لکھا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ سورت کے کتنے رکوع ہو گئے اور سپارے کے کتنے رکوع ہو گئے, تو عین کے اوپر سورت کے رکوع کی تعداد لکھی رہتی ہے. جیسے سورہ رعد ہے 3 رکوع ختم ہو گئے تو عین کے اوپر 3 لکھا ہے,
और इस रुकू के अंदर जो रुकू अभी ख़त्म हो गए, इसमें आठ आयतें हैं, इसलिए ऐन के पेट में आठ लिखा होगा कि ये जो रुकू आपने ख़त्म कर लिया, पढ़ लिया, इस रुकू में आठ आयतें हैं। और ऐन के नीचे जो लिखा है वो सिपारे के रुकू के तादाद, चूँकि ये तेरहवा पारा है, इसके नौ रुकू ख़त्म हो गए, इसके नीचे नौ लिखा है, इसको आप जहन में रखें। क्या ऐन के ऊपर सूरत के रुकू की तादाद की रहती है, ऐन के पेट में उस रुकू के अंदर कितनी आयतें हैं वो लिखी जाती हैं, और ऐन के नीचे जो हिंसा लिखा जाता है उसका मतलब ये है कि इस पारे के अंदर भी वो कितने रुकू ख़त्म हो गए। बहरहाल ये तीन रुकू ख़त्म हो गए सूरह रात के, और पारे जो ये ममा उबरजू है तेरहवा पारा, इसके नौ रुकू ख़त्म हो गए, और इस रुकू में आठ आयतें हैं, और आठ आयतों में से तो कुछ आयतों का पहले तर्जुमा आ चुका है, अब ये आयत है आज। इससे पहले ईमान वालों के सिफात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए कि ईमान वालों के अंदर क्या क्या सिफतें होती हैं, उसमें एक सिफत फरमाई थी अल्लज़ीन यूफ़ून बिअहदिल्लाह, वो अल्लाह ताला के वादों को पूरा करते हैं, अल्लाह ताला के वादों को, जो अल्लाह से वादा किया है फरमा बरदारी का, इताअत का, वो पूरा कर लेते हैं। दूसरा फरमाया था कि वो किसी वादे को तोड़ते नहीं, किसी वादे को। सवाल ये तो आ गया, नहीं कहते हैं, एक तो अल्लाह का वादा पूरा करना, उसके बाद किसी वादे को तोड़ते नहीं, मतलब तो अल्लाह के वादे को भी नहीं तोड़ते, लेकिन जो लोगों के दरमियान ने वादे कर रखे हैं उसको भी नहीं तोड़ते, तो दो चीज़ें हो गई ना अलग अलग। एक आदमी कह रहे भाई मैं अल्लाह का वादा पूरा कर लेता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारे वादे तो तोड़ रहा है। तो वला यनक़ुज़ून अल-मीसाक आम है ना, अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं, तो जो मखलूक के सब ने वादे किए हैं कारोबार के अंदर, निकाह के अंदर और दूसरे लेन देन के अंदर, उन वादों को भी तोड़ते नहीं। फिर एक सिफत आई थी तीसरी कि वल्लज़ीन यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, कि जिन जिन चीज़ों के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है रिश्ते वगैरह, उनको जोड़ते हैं, उनको अगर उधर से कोई तोड़ना चाहे तब भी ये जोड़ते हैं। वह यख़शौना रब्बहुम, और ये अल्लाह से बहुत डरते हैं, हर वक्त उनके दिल में अल्लाह का खौफ रहता है, उस खौफ की वजह से वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं, मखलूक को सताते नहीं, किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। वह खाफून सू अल हिसाब, और बुरे हिसाब से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं मैदान महशर में, उनका मालूम है तो वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। आज की जो सिफत है ये सिफत है वल्लज़ीन सबरू बितिगा वजह रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, सब्र जो किया क्यों, इब्तिगा वजह रब्बिहिम, अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए, किसके लिए। इसका मतलब तो ये है कि सब्र तो हर एक आदमी को आता ही आखिर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, कुछ सहाबा भी साथ थे, तो कब्रिस्तान के पास से गुजरे, वहाँ कोई मयत थी जिसका ताज़ा ताज़ा इंतकाल हो चुका था, तो एक औरत उस कब्र के ऊपर रो रही थी और चीखती चिल्लाती थी, वावेला करती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने उसे फरमाया अल्लाह की बंदी सब्र कर लो, क्या कर लो, सब्र कर लो, मतलब ये वावेला मत करो। चूँकि उसने उनको देखा नहीं, निगाहें नीचे थी, सिर्फ आवाज़ कान में आई, ज़्यादा आवाज़ से मानूस भी नहीं थी, पहचाना भी नहीं, और वो तो अपने गम में थी, उसने कहा कि आपको क्या है, ये तो मैं जानूँ, ये तो मेरे ऊपर मुसीबत आई है। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, आपकी आदत शरीफ़ थी, अगर कोई शख्स कोई उल्टा जवाब दे के तो आप उसके ऊपर फिर वो बहस शुरू नहीं करते, कुछ नहीं, आप तशरीफ़ ले गए बस। उसके बाद लोगों ने उससे कहा कि उस खातों से कहा कि आपको क्या हो गया, आपने किसको जवाब दिया, कहा किसको जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, कहा ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कहा अच्छा, हाय अफसोस की बात, मेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई, मेरी आखिर भी बर्बाद हो गई, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने कहा हाँ, तो फौरन बेकरार हो गई, बेचैन हो गई और दौलत खाने में पहुँच गई माफ़ी मांगने के लिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको ऐसा जवाब दिया, मैं माफ़ी मांगती हूँ और सब्र करूँगी। आपने फरमाया अस सबरू
इंद सदमतिल उला आवकमा काल सलासम। फरमा देखो सब्र जो है असब्र ये मुसीबत के इब्तिदा में होता है, वरना बाद में तो आदमी को सब्र आ ही जाता है। किसी का नुकसान हो गया, जाहिर सी बात है 10 साल 15 साल पहले किसी के बेटे का इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात में तो सब्र आ ही जाता है, नुकसान हो गया बाद में सब्र आ ही जाता है। आपने फरमाया कि मुसीबत के वक्त जब वो मुसीबत आ गई हो उसके वक्त जो सब्र करे वही सब्र मतलूब है, वही सब्र मतलूब है। सवाल ये कि ये क्या फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए सब्र करते हैं, खुशनुदी के लिए ने अल्लाह ने सब्र का हुक्म दिया है इसलिए सब्र करते हैं। इसलिए एक जवान था तो बदर के मौके पर उसको तीर लग गया और शहीद हो गया। तो बाद में जब काफिले सारे वापस आ गए मदीना तैयबा, तो उसने कहा मेरा बेटा कहाँ, कहा उसका तो इंतकाल हो गया, तो शहीद हो गया, नौजवान ही था, अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो उसकी वालदा आई, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, अगर जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, अगर नहीं तो आप देखेंगे मैं उसके फिराक में क्या करूँगी, यानी मतलब तो बहुत रोऊँगी और क्या क्या करूँगी। जैसे ज़माने जाहिलियत में कपड़े फाड़ते थे, चेहरे पर मारते थे और क्या क्या करें, मैं बहुत कर लूँगी उसके, यानी वाह वेला हो रही। आपने फरमाया आपका बेटा जन्नत में, आपका बेटा उन्हें बस फिर ठीक है, आप में कोई वाह वेला कुछ नहीं, बस जन्नत में तो ठीक है। आप सिर्फ फ़र्क यह है कि वो पहले गया हम बाद में जाएंगे, आरजीदारी है। ये फरमाया कि जो सब्र कर रहा है ये महज अल्लाह के हुक्म की वजह से कर रहा है कि भाई सब्र कर लो सब्र। अब इस सब्र का मतलब क्या है, आम तौर से तो सब्र का जब लफ्ज़ हम सुनते हैं तो ये आता है कि भाई किसी को मुसीबत आ गई तो उसने सब्र कर लिया, वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ, कोई चीज़ चोरी हो गई, स्कूटर चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, बच्चे का इंतकाल हुआ, ये सब्र है। लेकिन सब्र सिर्फ इतना ही नहीं, सब्र का एक मफहूम यह है सब्र अल ताआत, इसके माने है दीन पर जमना, क्या मजबूत रहना, जैसे साबित कदमी कहते हैं, ये इसका पहला मतलब है। इसका दूसरा मतलब है सब्र करना कि नफ्स चाहता है मैं ये करूं वो करूं ये करूं, अरे लोग ऐश कर रहे हैं, जो है वो सरकारी मुलाजिम है तो नफ्स उससे कहता है कि ये सब लोग ले रहे हैं रिश्वत, तो सिर्फ आप ही अब मुत्तकी परहेज़गार बन गए, आप भी ले लो ना, देखो इसने मकान कितना बड़ा बनाया, तुम्हारा तो वही पुराना मकान है, तो देखो इसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, ले लो, कोई भूल वो कोई परेशान भी नहीं है, वो ये सारी चीज़ें। इसे कहा नहीं मुझे रुकना पड़ेगा, तो अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लेता है। ये तो मिसाल है, शराब का तकाजा है और गुनाहों का तकाजा है, दूसरी चीज़ों का तकाजा है, और तो ये रुक जाता है अपने नफ्स को रोकता है। इसका नाम सब्र अनिल मासिया, सब्र अनिल मासिया, सब्र करना जम जाना और गुनाहों के पास न जाना। तो एक मतलब तो हाँ ताआत पर जमना ये भी सब्र है, गुनाहों से अपने आप को रोकना ये भी सब्र है, बल्कि ताआत पर तो आदमी फिर भी जमता ही है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन गुनाहों से बचना ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए फरमाया कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनकी यह सिफत बताई गई जो सब्र करते हैं, तो तीनों चीज़ें इसमें आते हैं, क्या क्या, यानी ताआत पर जमना और गुनाहों से अपने आप को बचाना, जिसको इस्तकाम भी कहते हैं। नंबर तीन, अगर कोई तकलीफ उनको पहुंची है दुनिया में तो उस पर वो सब्र करते हैं, बेसब्री नहीं करते हैं, अल्लाह ताला के ऊपर एतराज़ नहीं करते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी बहुत सारे दुनिया में तकलीफ़ें पहुंची हैं, हर एतबार से, वफ़ात के एतबार से भी, दूसरे दुश्मनों के एतबार से भी, और फ़क्र फाके के एतबार से भी। जैसे 8 औलाद अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी 8, 7 का इंतकाल उनके सामने हुआ, कितने, ये कहना तो आसान है लेकिन ज़ाहिर सी भी इसको बर्दाश्त करना कोई खेल है क्या, एक आदमी के 8 औलाद हैं, कितने, 4 साहबजादे हैं 4 साहबजादियाँ हैं, और 7 का इंतकाल अपने सामने हुआ, सिर्फ एक औलाद आ उसके बाद दुनिया में रही हज़रत फ़ातिमतुज़ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो
आपने चश्मे मुबारक से आंसू भी बह रहे थे जब हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ये फरमाया वह इन्ना भी फिराकी का या इब्राहिम महज़ूनून, इब्राहिम आपकी जुदाई के कम बहुत गम है, आंसू बह रहे हैं। सहाबा किराम ने आरज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हर मौके पर हमें सब्र की तलकीन फरमाते हैं, सब्र करो सब्र करो, लेकिन आपके चश्मे मुबारक से तो खुद ही आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया ये सब्र के खिलाफ नहीं, ये सब्र के खिलाफ, सब्र के खिलाफ ये है कि अगर मैं अल्लाह पर एतराज़ करूँ क्या करूँ, एतराज़ करूँ कि आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये है बेसब्री। इसी तरह से आपने फरमाया कि मन ज़रबल खुदूद व शक्ल जयूबा व दावा बिदावल जाहलिया फले से मिन्ना, जो कोई मेरा उम्मती मुसीबत के वक्त अपने चेहरे को पीटे, अपने चेहरे को, बहुत सारे चेहरे को पीटते हैं या बिच बिच वाला चीज़ें, वह शक्ल जयूब और अपने कपड़ों को फाड़ दे, क्योंकि अहले अरब के यहाँ ये था जब कोई तकलीफ़ होती थी तो वो अपने आप चेहरे को क्या करते थे, बहुत मारते थे, ये क्या हुआ, और कपड़ों को फाड़ते थे, ये ऐसे गिरेबान को हाथ में पकड़ा और नीचे से चाक कर ख़त्म कर दिया। तो मैंने खुद भी देखा है, एक खातून के बेटे ने जहर खाई थी, अब उसको मालूम है कि बेटे ने जहर खा लिया, उसको ले गया अस्पताल सफाई करने के लिए, तो मुझे अचानक नज़र पड़ गई, मैंने देखा कि ये क्या पहनी हुई है, वो तो था तो फेरन, हमारे यहाँ फेरन होता है ना, तो उसने क्या किया था, ऐसे पकड़ा था फेरन को और यूँ चाक करके दामन तक उसको, तो जैसे वो कोट पहनते या सदरी पहनते हैं तो फेरन को बीच में से नीचे काटा था, तो अहले अरब ऐसा करते थे। तो आपने फरमाया कि मन ज़रबल खुदूद व शक्ल जयूब व दावा बिदावल जाहिलिया, और वो ऐसी आवाज़ें निकाले और अवावेला करे जैसे ज़माने जाहिलियत में करते थे, फले से मिन्ना, और हमारा नहीं है क्या, यानी इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उम्मती जो हकीकी उम्मती होगा ये नहीं करेगा, फिर ये करेगा, वो सब्र करेगा, क्या कहेगा ठीक है इसकी ज़िंदगी इतनी ही थी तो अल्लाह इसको ले गया, अल्लाह इसको ले गया, या ये कहेगा कि मुझे इस पर अजर मिलेगा, और है अजर भी मिलता है, हदीस पाक में है जिसके बच्चे का इंतकाल हो जाए और वह सब्र करे तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, फरिश्तों ये जो मोमिन बंदा है जिसके बच्चे का इंतकाल हुआ और उसने सब्र किया, बेसब्री नहीं की, जन्नत में इसके लिए एक घर बना लो, घर तो बहुत सारे होंगे, उस घर का नाम रखो बैतु सब्र, क्या जैसे घरों के अंदर नाम होते हैं ना, होटलों के नाम होते हैं, मकानात के नाम होते हैं, फलां मंजिल और फलां क्या क्या, तो उसका नाम बैतु सब्र, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जो घर है ये नमाज के ऊपर उसको नहीं मिला है, हज के ऊपर नहीं मिला, इसको मस्जिद बनाने पर नहीं मिला है, रिवायतों में आता है जो मस्जिद बनाए अल्लाह ताला उसके लिए घर बनाएंगे, ये घर मिला इसको कि दुनिया में इसको कोई तकलीफ पहुंची थी तो मुसीबत आई थी इसके ऊपर, उस मुसीबत में इसने क्या किया है, सब्र किया है। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मोमिनों की सिफात में से हैं, वल्लज़ीना सबरू बितिगा वजह रब्बिहिम, ओके, और एक सिफात व अकामुस्सलात, क्या तो मोमिन की एक सिफत है कि वो नमाज का पाबंद है, वो नमाज का, ये इकामत सलात के क्या माने हैं, शुरू में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब इसमें कोई शक शुबा नहीं है, परहेजगारों के लिए ये हिदायत का ज़रिया है। उनकी सिफतें क्या हैं, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, सबसे पहली सिफत है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, वो यकीमून सलात, तो ईमान के बाद दूसरे नंबर पर नमाज का तज़किरा आया, वो यकीमून सलात, ये यकीमून सलात इसका तर्जमा लिखा है साहिब जलालैन ने, जलालैन अरबी तफसीर है, अरबी अरबी यानी उर्दू वो नहीं है, फारसी नहीं, तो अरबी के मुश्किल अल्फाज को उन्होंने अरबी के आसान अल्फाज में बयान किया है, उन्हें कहा युअद्दूनहा बिहुकूकिहा, क्या तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इससे ज़्यादा जामे तारीफ अब हो नहीं सकती, किसकी इससे ज़्यादा जामे तारीफ यकीमुन सलात की नहीं हो सकती। हैरान हो जाते हैं कि साहिब जलालैन ने अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह ने यह क्या अजीब तारीफ लिखी, यकीमुन सलात ए युअद्दूनहा, जो नमाज को अदा करते हैं बेहकूक़िहा, जो हक नमाज का है, जो हक नमाज का है उस हक के साथ उसको अदा करते हैं,
अब उसका हक क्या है, एक ज़ाहिरी एक बातनी है, क्या ज़ाहिरी के यह है कि वज़ू भी अच्छा किया, वक्त पर आ गया, सफ़े गुलाम में नमाज़ पढ़ ली तकबीर तहरीमा के साथ इमाम के साथ, और रुकू भी अच्छा किया और सजदे भी अच्छे किए सुन्नत के मुताबिक, क्या नमाज पढ़ ली सुन्नत के मुताबिक, खिलाफ सुन्नत कुछ भी नहीं। और यह और बातनी है कि पूरी तवज्जो के साथ पढ़ ली, क्या खुशू खुजू के साथ ध्यान लगा रहा था नमाज ही की तरफ अल्लाह ही की तरफ। तो फरमाते हैं जो आदमी ऐसा करे उसको कहेंगे कि इकामत सलात पर आ गया, किस पर? तो हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह जो दारुल देवबंद के बानी हैं, जब वो कहीं तशरीफ ले जाते थे तो फरमाते थे अजान कितनी बजे है, क्या नमाज नहीं अजान, उनकी आदत थी वो अजान ही के वक़्त मस्जिद में पहुंच जाते थे। तो उनसे पता है अजान इतने बजे है, तो तैयारी करते थे कि जब अजान हो जाए मैं मस्जिद में हूँ। तो उन हजरात का अहतमाम था, किताबों में वाक़या लिखा है किसी बुज़ुर्ग का कि एक रकात उनकी छूट गई, क्या बरसों के बाद एक रकात छूट गई, क्योंकि उस ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी या टाइम टेबल जो लटका रहता ये तो नहीं था ना, इसलिए तो मुमकिन है नमाज छूट जाए। आज तो मालूम है कि वे पाँच मिनट रह गए नमाज में, तीन मिनट रह गए नमाज में, बल्कि अगर एक मिनट पहले जमात खड़ी कर दी जाएगी तो शोर मचेगा कि भाई अभी तो एक मिनट था आपने क्यों जमात खड़ी की। बल्कि बाज मतलब एक मिनट आगे होती है घड़ी तो मुक्तदी कहते हैं कि है आठ मिनट रुको, आठ मिनट ये एक मिनट आगे रुको, मतलब तो ये है कि पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था, अजान होती थी हजरत जब तशरीफ लाते थे तो नमाज पढ़ाते थे। जैसे एक मतलब ईशा की नमाज आपने आधी रात को पढ़ाई, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर मुबारक के पास खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामस सिबियान वन्निसा, बच्चे भी सो गए और खवातीन भी सो खवातीन आ जाती तो नमाज कब होगी। तो बहरहाल उस बुजुर्ग की एक रकात छूट गई, किताब में लिखा है उसने रोया, क्या रो रहा था पछता रहा था, लोगों ने कहा क्यों आप क्यों रो रहे हैं, कहा मुझे ताज़ियत पहुंची है, क्या तो आप तो सब ठीक हैं ना, किसी का इंतकाल ना कुछ, उसने कहा मेरी एक रकात छूट गई, मेरी यही ताज़ियत है। अब हम इसको बयान करेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई तो कहानी है, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि किसी की 10 साल की नमाज कज़ा हो गई, किसी की 20 साल की नमाज कज़ा हो गई। एक साहब मुझसे मिले, उन्होंने कहा मैंने एतिकाफ़ किया, तो ख्वाब में बताया वहाँ के और आपका एतिकाफ़ तो ठीक है लेकिन अल्लाह का कर्ज़ा है आपके ऊपर, क्या कर्ज़ा है? कहा कौन सा कर्ज़ा? कहा तुम्हारी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी नमाज़ें कज़ा हो गई, मैंने कहा कितनी? कहा 20 साल की। कितनी? 20 साल की नमाज। तो मुख्तसर यह है कि मैंने उसको तरीका बता दिया कि किस तरह से अदा करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो मैं पिछले हफ्ते में मिला था, उनने कहा कि मैंने सारे नमाजें जो कज़ा थी पूरी कर ली, सिर्फ जोहर बाकी है, क्या जोहर 1800 नमाजें। कितनी? 1800। फिर उन्होंने कहा कि रोज़ों का क्या होगा? तो मैंने कहा कि रोज़े भी रखने पड़ेंगे क्योंकि अभी आपके अंदर हिम्मत है और ज़्यादा बूढ़े नहीं है। उन्होंने कहा हाँ मैं रोज़ा भी रखूँगा, मतलब जो कज़ा हो गई है। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो इतनी रात कज़ा हो नमाजें कज़ा हो जाती तो कौन रोएगा? फजर की नमाज कज़ा होगी, हमें तो कोई नहीं रोता, अफसोस भी नहीं होता। मैं कभी कहता हूँ कि भाई अगर घर में प्याला टूट जाए तो अफसोस होता है, माँ बहनों को प्याला टूट गया, रिकाबी टूट गई, चूल्हे के ऊपर दूध उबल रहा है, वो दूध जो गिर गया तो उस पर अफसोस, बाद में तो लड़ाई भी हो जाती है कि भाई दूध क्यों गिराया। तो उन बुज़ुर्गों का मेरी ताज़ियत पहुँची है, तो सब के समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा अब सुनो, एक आदमी ने इम्तिहान दिया, एक लड़के ने, 2 नंबर कम हो गए, कितने? 1 नंबर की वजह से वह गिर गया, नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने कहा कि वो रोया, रात को खाना भी नहीं खाया, फिर इसका यकीन आ गया। कहाँ इसका यकीन आ गया, अभी नीट का रिजल्ट नहीं निकला है, ये बच्चे खुद ही वो करते हैं ना हिसाब कि कितने नंबर आता है। एक तालिबे इल्म में पढ़ रहा है, नीट दे दिया अभी उसने, तो उसके वालिद को मालूम हुआ कि इसके नंबरात कम हैं, अल्लाह के घर में मैं बैठा हुआ हूँ। तो वालिद ने उसके साथ तर्क कलाम किया, क्या कोई बात नहीं करता उसे, इतना नाराज़ हो गया है, क्यों तुम्हारे नंबरात क्यों कम हो गई? तो इस पर तो अफसोस होता है,
क्योंकि इन चीज़ों की अजमत हमारे दिल में है तो नमाज की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते वाकामु सलात है, क्या ईमान वालों की ये एक सिफत है, वो नमाजों का एहतमाम करते हैं कि नमाज छूट ना जाए, कजा ना हो जाए, जमात हाथ से नहीं निकल जाए। कुरान पाक की आयत है, आगे आ रही है वो, रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़्ज़का यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। हम लोगों को तो नसीहत की अल्लाह ताला ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहीकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालो तुम्हारा माल तुम्हारे औलाद अल्लाह की याद से तुमको गफलत में न डालें। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब तो यह है कि कारोबार में इतने मस्त आप हो गए, ना जहर का ख्याल रहा ना असर का ख्याल रहा, ऐसा मत करना। ये हमारे लिए नसीहत है कुरान पाक में। सहाबे किराम के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि ये ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, इनका कारोबार खरीद फरख इनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करता है, बिलखसूस नमाज पढ़ने से, नमाज के अहतमाम से और ज़कात देने से। रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़्ज़का, क्यों ऐसा क्यों है? यखाफून यौमन ततक़ल्लब फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, ये डरते हैं उस दिन से, क़यामत से, जिस दिन आँखें भी पलट जाएंगी और दिल भी पलट जाएंगे। ये तो अल्लाह ताला फरमाए इनके अंदर खौफ है, और अभी इससे पहले आ गया कि ईमान वाला डरता है अपने रब से भी डरता है, यख्शौना रब्बहुम व यखाफूना सुअल हिसाब, हिसाब का ऐसा तसव्वुर है, डरता है कहीं मैं फंस ना जाऊँ। और हदीस पाक में है हुकूकुल्लाह में, क्या सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज है। तफसीर में लिखा पुलिस रात के 7 स्टॉप हैं, जितने 7 जगह पर उसको रोक दिया जाएगा, 7 जगह। जैसे एयरपोर्ट पर जाते हैं, यहाँ भी चेकिंग होती है, यहाँ भी चेकिंग होती है, यहाँ भी चेकिंग चेकिंग होती है, तो चेकिंग, तो सबसे पहले जो पहला स्टॉप है उसमें उससे कहा जाएगा नमाज लाओ, क्या नमाज पेश कर लो। तो अगर नमाज पेश उसने कर ली, उन्हें तो ठीक है, यहाँ से तो आप निकल गए, हमें आप आगे क्या होगा तो आप जाने, अल्लाह जाने, लेकिन फिलहाल आपसे निकल गए। और अगर उसके बाद नमाज नहीं है तो उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, उसको वहीं गिरा दिया जाएगा, चल नीचे गिर। तो बिल्कुल ऐसा ही एक आदमी एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ तो उसके पास न पासपोर्ट है, न आइडेंटिटी कार्ड है, न टिकट है, उसको तो गेट के अंदर जाने ही नहीं देंगे। और अगर पासपोर्ट भी दिखाया, उसने टिकट भी दिखाई, इतना काफ़ी आगे गए, इमिग्रेशन में फंस जाएगा, वो कहेंगे आपकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है। इसलिए बहुत ऐसा हुआ, कहते हैं वीज़ा में कुछ और नंबर लगा हुआ, ये मतलब तो है कि यहाँ तो निकल गया। तो सबसे पहला जो स्टाफ होगा वो किसका है? नमाज का। अब जिस ज़माने में हम बस रहे हैं, जिंदा हैं, इसके बारे में पेशनगोई है कि मेरी उम्मत नमाज को ज़ाया करेगी, मेरी उम्मत नमाज को ज़ाया करेगी, और ज़ाया हो रही है, बिलखसूस फजर की नमाज। बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल दुनिया से चले गए, जो नेक और साले और मुत्तकी परहेजगार थे, दुनिया की मोहब्बत नहीं है और लालच नहीं, गफलत नहीं, नाफरमानी नहीं, लेकिन उसके बाद जो उनके औलाद आए ये चीज़ें उनके अंदर नहीं रहीं, वो नाफरमान बन गए। क्या ये कुरान पाक में है, सूरह मरियम में, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउ शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। उनके बाद जो उनके ज़ुर्रियत आई, उनके औलाद आई, सबसे पहला काम उन्हें किया नमाज ज़ाया कर दी, नमाज अज़ाउ सलात वत्तबउ शहवात, नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, फसौफ यल्कौना गय्या, अनकरीब वो तबाह हो जाएंगे, अनकरीब वो बर्बाद हो जाएंगे। वाला इसमें फरमाया कि ईमान वालों की सिफत है वो नमाज का अहतमाम करते हैं। अब नमाज भी है, काम भी है, क्या करें? तो किसी बुजुर्ग ने फरमाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने कहा जब नमाज और काम एक साथ आ जाएं, क्या अरे एक वक्त उसमें नमाज भी है और काम भी है, तो काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी है, काम से कहो, नमाज से मत कहो मुझे काम है, ये उस बुजुर्ग ने फरमाया। तो इसका मैंने एक और अपने अंदाज में इसको तर्जमा तो नहीं कही, एक मफहूम मैंने अदा किया, एक तरफ से गुलाम बुला रहा है, एक तरफ से बादशाह बुला रहा है, एक ही वक्त में। तो अकल का तकाजा क्या है, क्या करना चाहिए?
बादशाह के पास जाना चाहिए, गुलाम के पास जाना चाहिए? गुलाम अपना है, वो भी है, वो कहेगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, और खेत के बारे में बताएगा, दुकान के बारे में बताएगा कि फलां काम हुआ या नहीं हुआ, ये सब अपना। इधर से बादशाह बुला रहा है आ जाओ, तो अगर बादशाह के पास नहीं गया, गुलाम के पास गए, सब कहेंगे नादान है, बेवकूफ़ है, अहमक है, इसके दिल में बादशाह की अज़मत नहीं है। बादशाह खुद कहेगा ये नाफरमान है, इसके दिल में मेरी अज़मत नहीं है, गुलाम के पास तो गया और मेरे पास नहीं आया। होगा क्या? बादशाह नाराज़ होगा, जो बादशाह के दरबार में उसका मकाम था वो मकाम गिर जाएगा, वो मकाम से गिर जाएगा, और बादशाह नाराज़ भी हो सकता है, सज़ा भी दे सकता है, और जो बादशाह ने उसको इनाम दिए वापस भी ले सकता है। इस तरह से दुनिया के कामों में आदमी मशगूल हो जाता है, अल्लाह को नाराज़ करता है, तो अल्लाह ताला बचाए, तो मुसीबतों में फंसता है, जिल्लत रसवाई में मुबतला हो जाता है। इसलिए फरमाया अकामु सलात, और नमाज के पाबंद है। ये नमाज बदनी इबादत है क्या? कुरान पाक ने जहाँ भी तज़किरा किया, पहले बदन का तज़किरा किया, फिर माल का तज़किरा किया, क्या बदनी इबादत का? फिर उसकी वजह बदन हर एक के पास है, बदन माल हर एक के पास नहीं है। दूसरा फरमाया वा अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, ईमान वाले खर्च करते हैं उसमें से जो हमने उनको रिज़्क दिया है, जो हमने उनको, मालूम है किसी का अपना नहीं, किसी का, रज़क़ना हमने रिज़्क दिया हम उनको, उसमें से खर्च करते हैं, सिर्रन चुपके चुपके, वह आलानियतन खुल्लम खुल्ला, कभी ऐसा खर्च करते हैं कभी ऐसा खर्च करते हैं। तो ये फरमाया खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया है, ये माल का हक है, किसका? जी। और कुरान पाक की जो अभी आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, उस माल में से वो खर्च करते हैं, ये नहीं फरमाया सारा खर्च करते हैं, व मिम्मा उसमें से, उसमें थोड़ा खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे आधा माल खर्च कर लो आधा अपने पास रखो, लेकिन ये नहीं फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दो हिस्से अपने पास रखो, एक हिस्सा मुझे, तो फरमाए कि ज़कात में से 40वां हिस्सा, क्या ज़कात में से 40वां? क्यों? कारोबार में मेहनत ज़्यादा लगती है, अल्लाह ने फरमाया 39 से तुम्हारे 40वां हमको दे दो, 100 में से वह ढाई, कितने? 2.5%। अब जिसमें मेहनत इससे कम लगती है, क्या कारोबार के मुकाबले में, क्योंकि कारोबार आदमी दिन में भी करता है, रात में भी हिसाब करता है, जोड़ता रहता है, कभी उधर गया उगराई के लिए, कभी इधर गया, कभी उधर से माल आ रहा है लगा रहा है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो जब जाना मेहनत तो अल्लाह ताला कम लेता है। इसके मुकाबले में खेती है, क्या खेती तैयार हो गई, उसमें ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं, पानी भी भर दिया, खाद भी डाल दी और खेत तैयार हो गया, मेहनत तो उसमें भी है लेकिन कारोबार के मुकाबले में कम। इसे अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, दूसरे नंबर पर वो है खजाना, क्या खजाना मिल गया, वो खेती में काम कर रहा था वहाँ से खजाना निकल आया, वो खजाना तो किसी का तो था नहीं, पहले ज़माने का था। शरीयत ने कहा कि ये जो खजाना मिल गया तो इसमें जो आपको देना पड़ेगा 5वां हिस्सा, क्या खुमस, कितना 5वां, देखिए उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं है तो 5वां ले लिया, और उसके मुकाबले में खेत में ज़्यादा मेहनत है, फरमाया इसमें दे 1/10, क्या 1/10 दे दो ना तुम्हारे, और अगर वो जो है वो उसमें मेहनत और ज़्यादा है तो 20वां हिस्सा, कितना 20वां हिस्सा उसमें देना पड़ेगा, तो जिसको हम कहते हैं उशू, क्या उशू, निस्फ उशू, निस्फ। ये तरतीब है इसकी, अब हम ऐसे चलेंगे इसकी तरतीब में, जो मुफ्त में मिले क्या उसका, उसको 5वां हिस्सा देना है, जैसे खजाना, जैसे खजाना या माल गनीमत, तो उसमें मशक्क़त भी है, खजाना मिल गया, और जिसमें मशक्क़त हो उसके मुकाबले में थोड़ी, तो उसमें देना पड़ेगा 1/10, क्या 1/10। जिसमें पानी भी भरना पड़े, क्या ज़्यादा, तो 1/20। जिसमें और ज़्यादा मशक्क़त है 1/40, तो 1/5, 1/10, 1/20, 1/40। ये तरतीब रही इसकी, पहले तो मैंने बगैर तरतीब के कहा था, लेकिन अब इसको तरतीब लगानी पड़ी, ये आपके जहन में रहेगा। जहन में क्या रहा, जिसमें मेहनत कम है क्या उसमें ज़्यादा लेगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे ज़्यादा दे दो, जिसमें मेहनत ज़्यादा उसमें कम, तो 1/5, 1/10, 1/20, 1/40। ये फरमाते व मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उनको रिज़्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, 40वां हिस्सा, कितना 40वां। तो ये मोमिनों की एक सिफत है,
क्योंकि नमाज के बाद इसका तज़किरा जगह जगह आ रहा है, इसलिए यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया वाकामुस्सलाता व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम। किसी जगह फरमाया वाकामुस्सलाता व आतुस ज़का, तो वहाँ ज़कात का लफ्ज़ कहा क्या, या मिम्मा रज़क़नाहुम, इसमें हर चीज़ आ गई, इसमें हर चीज़ आ गई जो भी अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया। अब दो अल्फाज आ गए सिर्रन व अलानियतन, चुपके चुपके और खुलम खुला, मतलब तो यह है कि जैसा मौका मिला वैसे देते हैं। लेकिन सिर को पहले कहा, क्यों फरमाया कि अफजल है चुपके से देना, किसी को पता ही नहीं चला। बाज मतलब गरीब आदमी कहता है कि उसने पता लगे कैसे, किसी को पता नहीं चले। मेरे पास एक आया कहने का, हाँ बैतुल माल वालों ने जो दे दिया मुझे कुछ पैसे, लेकिन मुझे तो पूरे गांव में बदनाम किया है, एमजेस पहुँच क्या, कहीं इससे बेहतर था मुझे देते ही नहीं, मैं भीख मांगूंगा लेकिन उनके पास नहीं जाऊँगा। वो ये चाहता था कि मुझे ये मदद करें, लेकिन इसका ये ऐलान न करें, क्यों हर एक को इज्जत अल्लाह ने दी है ना, वो चाहता है कि बहरहाल। तो फरमाए चुपके चुपके देते हैं, किसी को पता नहीं चलता। एक हदीस पाक में है, वो शख्स कयामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा जो ऐसे खर्च करता है कि दाएं हाथ से तो खर्च करता है, बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता इसने क्या दिया। ये मुहावरा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाएँ हाथ को पीछे रख देगा, नहीं, मतलब ये मुहावरा है कि कश्मीरी में कहते हैं एक कन लज बीस कन पता, मतलब तो है कि वो खर्च करता है लेकिन उसका वो ऐलान और तशहीर नहीं करता, किसी को पता नहीं चलता है और खर्च कर रहा है। इसे सिर को पहले लाए, सिर को ये अफजल भी है। फिर अलानिया क्यों कहा, फिर तो सारे लोग चुपके चुपके देते, अलानिया कहते कभी कभी अलानिया देना अफजल है, मस्जिद बन रही है क्या, भाई कहेंगे भाई अल्लाह के वास्ते क्या करो चंदा दे दो, और जिन्हें हाजी साहब आप दे दो, उन्होंने कहा मेरे 50,000 लिख दो। दूसरा आदमी कहेगा अरे 50 दे रहा है तो मुझे कम से कम 40 देने चाहिए। हाँ इखलास होना चाहिए क्या, वो तो अलग है ना, तो इखलास नहीं होगा फिर चाहे एक रुपये देगा या 1,000 देगा तो वो तो बेकार हो गया। लेकिन ये है कि कभी कभी अलानिया देना पड़ता है। नंबर दो, बाज मरतबा लोग बदगुमान होते हैं, हालांकि वो तो लोगों का कसूर है, भाई तो ज़कात देता ही नहीं, इसे उसने खुलम खुला दे दिया भाई ये ज़कात का 1,00,000 रुपये ले लो, ताकि लोगों को तरतीब भी आ जाए। तो बड़ा खुलासा ये कि इंसान के ऊपर दारोमदार है कि किस जगह चुपके से देना है और किस जगह अलानिया देना है। तो इसलिए फरमाया कि सिर्रन व अलानियतन, तो ये और एक सिफत हो गई, सिफत चल रही, 9 सिफत हैं ये। आगे सिफत है वयदरऊन बिल हसनति सय्यात, फरमाते हैं वो लोग भलाई के जरिए क्या, अच्छाई के जरिए बुराई को हटाते हैं, बुराई को हटाते। इसका मतलब तो ये कि जो आदमी उनके साथ बुरा सलूक करता है क्या करता है, ये बुराई के बदले में बुराई नहीं करता है, ये बुराई के बदले में उसके साथ अच्छा सलूक करता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का बदला भलाई से देते थे, और इसी तरह से सहाबी किराम और औलिया किराम की ये खसूसियत है। तो अगर कोई आदमी उनके साथ बुराई का सलूक कर लेता है, इधर से वो उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। वो भी आता है ना कि वो खातून ऊपर से कूड़ा करके डालती थी, ये तो बुराई है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इंतकाम लेते, अरे बुढ़िया ये क्या करें। वो जाके देखा कि 2-4 दिन से तो उसने कूड़ा डाला नहीं, तो उससे कहा कि वो बुढ़िया क्या हाल है उसको, उन्हें कहा बीमार है, गई उसकी आयादत के लिए, किसके लिए, यही होते हैं ना बुराई का बदला क्या देते हैं, अच्छाई से देते हैं। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की एक बहुत गिबत करता था, गुस्ताख था, हजरत उसको हदिया भेजते थे, हजरत उसको हदिया भेजते थे, कभी एक चीज़ कभी दो चीज़, उसका नतीजा ये हुआ कि उसके दिल में हजरत की मोहब्बत आ गई क्या, तो वो उस गुनाह से बच गया, और हुक्म यही था। इसलिए फरमाया कि वयदरऊन बिल हसनति सय्यात, कि वो लोग जो है वो बुराई का बदला देते हैं, किससे, अच्छाई से देते हैं बुराई का बदला। तो ये उनकी है सिफत। एक हालत, एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इरशाद फरमाया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे मेरे परवरदिगार ने 9 बातों का हुक्म फरमाया, कितने, उसमें से 4 बातें ये हैं क्या। नंबर 1, मैं खा किसी से खुश हूँ या नाराज़ हर हालत में इंसाफ की बात कहूँ, क्या ये अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि आप किसी से खुश हो या ना खुश हो लेकिन इंसाफ की बात कहना। नंबर 2, जो मेरा हक मारे क्या मैं उसका भी हक अदा करूं, वो तो मेरा हक नहीं देता है
तो मैं कहा मुझे हुक्म है कि आप इसको हक दे दें। नंबर तीन, जो मुझको महरूम करे, जो मुझको मैं उसको भी अता करूं, मैं उसको भी अता, तो यही हुआ ना। हाँ, बराई बुराई का बदल, जो मुझ पर जुल्म करे क्या मैं उसको भी माफ़ कर दूं, मैं उसको भी। ये फरमाते हैं कि मुझे नौ बातों का हुक्म अल्लाह ताला ने खसूसियत के साथ फरमाया। ये है अल्लाह ताला का इरशाद है, नीकी और बदी बराबर नहीं होती, नीकी और बदी नेक बर्ताव से बुरे बर्ताव को टाल दे। फिर फरमाया, ये कुरान पाक की आयत भी है, कि वो शख्स कि जिसके दरमियान और आपकी अदावत थी वो ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त, क्या कअन्नहु वलीयुन हमीम। ये है तो बहरहाल फरमाया कि मुझे हुक्म मिला है। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों तुम अपने तर्ज अमल को, तुम अपने लोगों के तर्ज अमल का ताबे बनाकर न रखो कि ये कहने लगो कि अगर लोग भलाई करेंगे तो हम भी भलाई करेंगे और अगर लोग जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। ये गोया ताबे हुआ उनके अमल के, बल्कि तुम अपने दिलों को इस पर पुख्ता करो, पक्का करो कि अगर वो लोग एहसान करें तब भी हम एहसान करेंगे, अगर वो बुरा सलूक करेंगे और तब भी हम उनके साथ क्या करेंगे, एहसान करेंगे। ये इरशाद फरमाया हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले भी आया कि वासिल किसे कहते हैं, वासिल किसे कहते हैं। उसने कहा एक आदमी जो है जो उसके साथ अच्छा सलूक करता है उसके साथ अच्छा सलूक कैसे करता है, वो हमारी इयादत के लिए आया हम उसकी इयादत के लिए गए, तो ये तो बराबरी है, ये तो बराबरी। तो इसको वासिल नहीं, इसको मुकाफी कहेंगे। वासिल तो वो है जो उधर से तोड़े इधर से जोड़ रहा है। तो बहरहाल ये फरमाया कि ईमान वालों की एक सिफत ये है कि वो हटाते हैं, दूर करते हैं भलाई के जरिए, नेक सलूक के जरिए बुराई को। उलाइका लहुम उकबद्दार, फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं लोग उकबद्दार, इनके लिए अच्छा घर है, क्या है अच्छा बदला है, वो क्या है जन्नत अदनिन, हमेशा रहने के बागात, क्या हमेशा की जन्नत, यदखुलूनहा जिसमें ये दाखिल होंगे इन आमाल के बदले में। और कौन दाखिल होगा, वमन सलाहा मिन आबाईहिम, और जो नेक लोग ये होंगे इनके आबा व अजदाद में से, क्या बाप है दादा है और नाना है नानी है जो नेक हैं। इससे मालूम हुआ कि नेक होना ज़रूरी है, ईमान वाला होना जरूरी। वअज़वाजिहिम इनकी बीवियाँ, इनकी जो उनमें नेक होंगे वो इन्हीं के साथ रहेंगे। वज़ुर्रियातिहिम इनकी ज़ुर्रियत, इनकी समझ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक शख्स बहुत ऊंचे दर्जे का है अहलुल्लाह में से, क्या लेकिन उसकी बीवी उतनी अहलुल्लाह नहीं लेकिन नेक है, लेकिन वली खुदा ना सही। और जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम की अजवाज मुतहरात जाहिर सी बात है वो नबी थोड़ी थी। मतलब तो ये है कि अगर कोई शख्स का मेयार बहुत ऊंचा है, उसकी बीवी उस दर्जे की नहीं है, उसका बाप उस दर्जे का देखिए साले हैं, साले उस दर्जे के नहीं, अब अल्लाह ताला इस शख्स को वो दर्जा दे देंगे, अब उसे थोड़ी कहेंगे कि तुम इस दर्जे में रहो तुम्हारी अहले वहाँ रहेगी दस मंजिल नीचे, तुम्हारा वो बोर के नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको हम एक साथ रखेंगे, क्या उनको हम एक, हाँ अलग अलग भी जन्नत भी होगी लेकिन ये एक साथ रहने एक साथ रहेंगे। कौन कौन रहेगा, ये शख्स भी रहेगा, इसके आबा वजदा भी रहेंगे, इसकी अहलिया भी रहेगी और इसकी जुरियत भी रहेगी। सवाल क्यों ऐसा किया अल्लाह ताला ने, फरमाते हैं कि या तो मुझे ये करना था कि इसका जो बाप है ये शख्स जो बहुत ऊंचे दर्जे का इसको नीचे रख दूँ, क्या नीचे वाली जन्नत में लाऊं, चला वहीं बैठ, क्यों तुम्हारी औलाद तो इस दर्जे की। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैं औलाद ही को ऊपर ले आऊँगा, किनको औलाद को, उन बीवियों को क्या कर लूँगा ऊपर ले आऊँगा कि अब यहीं रखो। ये फरमाया कि ये जन्नत में दाखिल होंगे और वो हमेशा रहेंगे और उनके साथ उनके आबा व अजदाद में जो सलाह, या ईमान वाले आमाल वाले हैं, अगर उतने दर्जे के आमाल नहीं है वो भी उनके साथ दाखिल होंगे। वाजिब उनकी बीवियाँ भी, वज़ुर्रियाती हिम उनके औलाद भी, उनकी अब जब दाखिल हो गए वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब। इससे पहले वो रिवायत आई कि जन्नत में एक मकान है उसके 12,000 दरवाजे हैं, कितने तो फरिश्ते आएंगे हर दरवाजे से
कहेंगे सलाम अलैकुम क्या, सलाम करने के लिए। तो एक रिवायत में एक जन्नती अपने महल में बैठा होगा आराम से, तो फरिश्तों की एक कतार इधर होगी एक कतार, जैसे पुराने बादशाहों के पास होते थे ना, बादशाह बैठा हुआ है तो एक कतार इधर लगी हुई है, वर्दी पहने हुए है, वो जो है हथियार हाथों में लिए हुए है, इधर से भी बहुत शानदार किस्म, ऐसे जन्नती भी होंगे ऐसे। लेकिन वहाँ इंसान नहीं होंगे दाएँ बाएँ, वो कहेंगे जनाब हम तो दुनिया में भी ऐसे ही खड़े रह सकते, यहाँ भी खड़े रहेंगे तो हमारे जन्नत में जाने का फायदा ही क्या हुआ। उससे कहेंगे अब वहाँ इंसानों को कोई काम नहीं लिया जाएगा। जैसे किसी ने कहा जन्नत आबाशद आजार नबाशद कसरा बाग से कार नबाशद, जन्नत एक ऐसी जगह है कि वहाँ कोई तकलीफ नहीं क्या, और कोई किसी का मोहताज नहीं। इसलिए वहाँ ये नहीं कहेंगे जनाब ये तो बड़ा आदमी है ना, अब ये इसकी खिदमत वगैरह मैं खिदमत क्यों करूँ इसकी, वो तो खुद जन्नती होगा ना, तो वहाँ कोई किसी का काम नहीं करेगा, मोहताज नहीं होगा। आप कहेंगे दुनिया में भी तो बहुत सारे लोग मालदार हैं किसी के मोहताज नहीं, हमने कहा क्यों नहीं मोहताज है, नानबाई का मोहताज है, डॉक्टर का मोहताज है, सुबह जाएगा तो दूध लाने के लिए, दूध वाला वहाँ नहीं है तो परेशान हो जाएगा। तो दुनिया में ऐसा है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो इसका मोहताज है, इसका ज़रूरतमंद है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फरमाया कि एक फरिश्ता गेट दरवाजे पर आएगा क्या, इजाज़त तलब करेगा क्या, कि मुझे अंदर आने की इजाज़त है, तो ये कहेगा इजाज़त है, तो ये इसको कहेगा, वो उसको कहेगा, वो उसको दरवाजे तक उससे कहेंगे उससे को आ जाओ, वो अंदर दाखिल होगा सलाम करके वापस जाएगा, सलाम करके मौज इसके एहतराम और ताज़ीम की वजह से। अगर हम लोग कभी जन्नत का वो ज़रा मुराकबा करें सर झुका के कि ईमान और आमाल सालेह को क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, क्या फिर अल्लाह का कोई हुक्म हमको भारी मालूम होगा, फजर में उठना और रोज़ा रखना, ऐसी जन्नत है अल्लाह अकबर, ऐलान होंगे जन्नत ये हो, ये जन्नत है, अब कोई बीमार नहीं होगा, अब कोई जवान है आप सब 33 साल के, अब कोई बूढ़ा ना होगा, अब कोई आप जिंदा है, अब कोई मरेगा भी नहीं, वहाँ दवाई खानी ही नहीं है, वहाँ क्लिनिक है ही नहीं, क्लिनिक न डॉक्टर न कोई, क्यों ऐसी सेहत करोड़ों बरस गुजर जाएंगे, ये तो कहना तो लेकिन अंदाज़ा लगाइए ये जन्नत है। फरमाया कि सलामुन अलैकुम, वो सलाम करेंगे क्या, सलाम नहीं साथ में क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामती हो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सब्र करने की वजह से, तुम्हारे वो ये दुनिया में तुमने 3 सब्र किए थे, ताअत पर जमे थे, गुनाहों से बचे थे, और अगर कोई तकलीफ आई उस पर सब्र किया था। फनीमा उकबदार, नीमा मैंने क्या बेहतरीन है, क्या बदले का घर, क्या बदला है उस घर का, यानी जो दुनिया में अमल किए थे क्या बेहतरीन घर है, अल्लाह अकबर। ये 9 सिफात इसके अंदर आ गई जन्नतियों की, कितनी ईमान वालों की, खास तौर से इस आयत में। उसके बाद अल्लाह ताला की तो आदत है, जन्नत का तज़किरा करेंगे जहन्नम का तज़किरा करेंगे, नेकोकारों का तज़किरा करेंगे तो नाफरमानों का तज़किरा करेंगे, अब नाफरमानों का तज़किरा अल्लाह ताला फरमाते हैं। वहाँ तो फरमाया था कि वो अल्लाह का वादा तोड़ते नहीं, इनके बारे में फरमाया अल्लाह का वादा तोड़ते हैं, अल्लाह का वादा वल्लज़ीन यक़ुदून अहदल्लाह, उनके मुकाबले में जो तोड़ते हैं अल्लाह का वादा, अल्लाह ने वादा फरमाया था कि तुम मेरी इबादत करोगे ये नहीं करते हैं, तुम मुझको वादहुला शरीक मानोगे ये नहीं मान रहे हैं, नाफरमानी करते हैं, मिन बाद मीसाकही, वो वादा आरजी नहीं मामूली नहीं था, मजबूत था वो वादा, क्या अल्लाह के सामने उन्हें कहा था कि हम आपकी इबादत करेंगे, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालु बला, तो ये एक इनकी बुराई है। दूसरी बुराई वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, वहाँ फरमाया था कि ईमान वाला जोड़ता है रिश्तों को, यहाँ फरमाया वयक्तऊन, ये काटते हैं, ये उन तमाम चीज़ों को काटते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था, उसको अक्सर काट देते हैं। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ज़मीन में झगड़ा करते हैं, फसाद मचाते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, शराबें पीते हैं, लूट मार करते हैं, क्या क्या करते हैं। उलाइक लहुमुल लानतु वलहुम सूद्दार, ये वो लोग हैं उन पर लानत है, क्या है, अस्तग़फिरुल्लाह, वलहुम सूद्दार, और उनके लिए बुरा घर है, उनके लिए तो बुरे घर से क्या मुराद है, दोज़ख़,
ज़ाहिर सी बात है दोज़ख अच्छी चीज़ है क्या? तो ये फरमाया उनके लिए बुरा घर है। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला एक एतराज़ का जवाब देते हैं। एतराज़ इश्काल क्या है? इश्काल ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि फला आदमी तो बहुत नेक है लेकिन वो परेशान है, क्या है उसकी गुर्बत ही दूर नहीं होती है। दूसरा आदमी नाफरमान है और वो ऐश कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो जिसको ज़्यादा रिज़्क मिल जाए अल्लाह उससे राज़ी हो और जिसको रिज़्क ज़्यादा नहीं मिला और वो तंगी में है, किस में है, तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह उसे नाराज़ हो। अल्लाह ताला नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा रिज़्क का मामला अलग है और मकबूलियत का मामला अलग है। ऐसा हो सकता है एक आदमी गरीब है, मोहताज है, लेकिन अल्लाह का वली है। बल्कि एक रिवायत में आपने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो किसी दरवाजे पर जाएंगे तो उनको दरवाजे नहीं खोल दिया जाएगा, यानी उनकी ऐसी खस्ता हालत होगी तो कोई उनकी बात का जवाब ही नहीं देगा। आपने फरमाया लाओ अक्सम अल्लाह ला अबर रहू, अगर वो किसी बात पर कसम खाएं अल्लाह का नाम लेकर, जिस बात पर भी कसम खाएंगे अल्लाह उसको पूरा करेगा, अल्लाह उसको इतनी मकबूलियत उनको है, इतने अल्लाह के दरबार में उनकी हैसियत है, लेकिन दुनिया के एतबार से फटे हुए कपड़े पहने हुए, इनको उसको पूछता भी नहीं। तो असहाबे किराम की गुरबत का वाक्य सब देखे हैं, लेकिन कितने मकबूल बंदे थे अल्लाह ताला के। एक सहाबी को जो बंद किया था हज़रत खुबैब को, वह खातून खुद कहती है कि उसको हमने बंद किया था कमरे में और दरीचे से मैं देखती थी ये क्या कर रहा है, कभी कभी अल्लाह की कसम पूरे मक्के में, वो खुद कहती है अल्लाह की कसम पूरे मक्के शरीफ में अंगूर का एक दाना भी नहीं था, मौसम ही नहीं था अंगूर का, तो बाजार में कहीं नहीं, मैं देखती थी ये अल्लाह का बंदा ताज़ा अंगूर खाता था क्या। खुद कहती है कि इसको गैब से अंगूर आते थे, अल्लाह ताला उनको भेजते थे। इसने फरमाया कि इस धोखे में न रहना कि जो गरीब है उससे अल्लाह नाराज़ हो, जो मालदार उससे अल्लाह राजी हो। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह ताला कुशादा करता है, क्या करता है, रिज़्क लिमन यशा, जिसके लिए चाहे, व यक़दिर, जिसके लिए चाहे उसके लिए तंग करते हैं, क्या करते हैं, तंगी में मुब्तला हो जाता है। व फ़ारिखु बिल हयाति दुनिया, फरमाते हैं कि नाफरमान और मुनकिर ये खुश हैं और मगन हैं दुनिया की ज़िंदगी में, चीज़ें इतने मगन है, वो मशगूल है, तो कुछ याद नहीं आता, न पुलिस सरात, न मादान मैशर, कुछ भी नहीं, मगन है उसी में। और फरमाते हैं अफसोस किस चीज़ के साथ इन्हें दिल लगाया है। दूसरा तर्जमा है ये फारि हो, ये घुमंड भी करते हैं क्या, हमारे पास इतना माल और इतनी दौलत है और इतराते हैं और गरीबों को हकीर समझते हैं, बिलखसूस जो सालहीन है, नेकोकार हैं। वमल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला मता, अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मता है, क्या मता क्या है, मता के माने आते हैं कम कीमत चीज़, क्या चंद दिनों का सामान, चंद दिनों का सामान। एक अल्लामा के बारे में लिखा है कि अल्लामा ज़मख़्शरी, वो कहते थे कि मैं बहुत दिनों से तलाश करता था, या रकीम किसको कहते हैं, क्या रकीम, क्योंकि रकीम के माने भी कुत्ता आते हैं और कलबों में कुत्ता, दोनों में फ़र्क क्या है। कहा मैंने बहुत तलाश किया शहरों में, कोई बताने वाला नहीं, मैंने कहा मैं देहात में चला जाऊँगा, कहाँ देहात में चला जाऊँगा, तो क्योंकि देहात वाले जो होते हैं ये असल जबान बोलते हैं, ये असल, इसीलिए मक्का शरीफ के लोग अपने औलाद को भेजते थे कहाँ, ताइफ और बनोसाद और कहाँ कहाँ, तो गांव में तो जबान सिर्फ गांव वाले होते हैं, शहर में तो मिक्स होता है ना, ये फलां का ये फलां का, जैसे आज भी मक्का शरीफ में मिक्स चल रहा है, क्योंकि वहाँ मिस्री भी हैं, क्या मिस्री भी हैं और यमनी भी हैं और सऊदी भी हैं और क्या क्या, और वो लोग जीम को गैन पढ़ते हैं, क्या अब हो गया अल्लाह में इन्नी असल का लगन्ना जन्नत का गन्ना, तो काफ का गैन पढ़ते हैं क्या, घूम या हाज, क्या यानी हाजी खड़े हो जाओ, तो कुम को हुम कहते हैं, कलम को कलम कहते हैं, कलम को जी, वहाँ हमें मक्का शरीफ में था, वहाँ असाजा पढ़ाते हैं, तो कभी मुझे भी होता था चलो मैं भी कुछ सुनाऊँ एक दो रुकू, तो मैं भी सुनाता था कभी कभी, तो फिर वहाँ एक बगल में मेरा था वो सूरह फातिहा सुनाता है, तो वो कहता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या तो वो उससे कहता था उस्ताद मुस्तकीम लैसा मुस्तकीम मुस्तकीम काफ, वो फिर पढ़ता मुस्तकीम, तो बहरहाल ये है, तो शहरों की ज़बान ऐसी होती है रलमिल, देहातों की, वो वहाँ गया तो कहा कि मैं एक
देहात में पहुंच गया, जैसे बांडियां होती हैं ना हमारे यहाँ जंगलों में, वो बांडी में रहते हैं, वो कच्चे मकान से छोटे ऐसे पू मिट्टी, तो कोठा उसको कहते हैं, कोठे बांडी भी उसको कहते हैं वो लोग, तो वहाँ जब मैंने देखा कि एक छोटा लड़का है वो खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं है, वो अकेला है। इतने में एक कुत्ता आया और कुत्ते को देखकर वो डरा और वो सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के ऊपर बैठा। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आई तो उसने कहा उससे कि अरे बेटे वहाँ कहाँ चढ़े, आप तो यहाँ खा रहे थे। उसने कहा या उम्मी, मेरी माँ कहते जा रकीम, क्या और फिर उन्होंने कहीं बता, कहते रकीम आया था, कौन आया। उसकी गर्दन में पट्टा था, तो कहते अल्लाह अकबर आज मिल गया मुझे अपने वो जो मैं तलब करता था। तो रकीम उसको कहते हैं जो कुत्ता हो लेकिन चार चश्मे हो, क्या आँख दोनों आँखों के ऊपर गोल नुक्ते लगे रहते हैं यहाँ, और उसकी क्योंकि वो जरूरत भी होता है येल्लो रंग का होता है, यहाँ भी है क्या भी, तो भाई चार चश्मे उसको हम कहते हैं क्या, चार चश्मे। अल्लाह समझ गए थे वो गाँव वाले चार चश्मे वाले कुत्ते को कलबुन के बजाय रकीम कहते हैं। लेकिन दूसरा जो उसने लफ्ज कहा था उसकी गर्दन में, क्या उसकी गर्दन में पट्टा लगा हुआ था, जो पुराना कपड़ा जिससे हम साफ करते हैं बर्तन, बर्तन बर्तन पकड़ लेते हैं उसको साफी कहते हैं, क्या साफी कहते हैं, तिशदेश। तो ये है यानी पुराना को उसने नालिया गर्दन में लगाई थी। मैं समझा मता, तो इसको मता कहते हैं क्या। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल हयात दुनिया फिल आखिर ला मता, तो मता के माने आते हैं कि चंद रोज मामूली बरतने का सामान, तो उसको भी मता ही कहते हैं। वो अहल अरब किसको, कुत्ते के गर्दन में जो एक पुराना कपड़ा थोड़ा सा उसके गर्दन में बांध के रखा है वो कहते वो मता है। अल्लाह ताला ये दुनिया सारा मता है, क्या है इसकी कोई हैसियत ही नहीं है आखिरत के मुकाबले में, किसके उसके बाद। तो उसको पूछन भी कहते हैं, किसको, जिससे कपड़े कोई कपड़ा हो जिससे कोई गंदगी वंदगी साफ कर लेता है, तो जी वो उसको क्या कहते हैं, डस्ट, देखो क्या डस्टर यूँ कर लेते हैं। तो ये जो फरमाया कि आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की कीमत अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की मच्छर के पर के बराबर भी होती क्या, तो किसी मुनकिर को अल्लाह ताला पानी का एक घूंट भी नहीं देते क्या। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से उनका गुजर हुआ एक बकरी के एक मुर्दा बच्चे पर, उसको उर्दू वाले उसको बोचा कहते हैं, बोचा में जिसके कान ना हो क्या या हो तो बहुत छोटे छोटे, तो फिर जो रास्ते में मरा हुआ था और उसको अंबरिया कहते हैं, वहाँ अंबरिया वो जगह है, तो आप रुके और आपने सहाबे किराम से फरमाया तुम में से कौन चाहता है कि इस बच्चे को एक रुपए के में ले ले, मैं यश्तरी हाजा बिदर हमी, इसको कौन खरीदेगा। उन्होंने कहा में से कोई भी इसको खरीदना पसंद नहीं, कौन खरीदेगा तो मरा हुआ है। आपने फरमाया अल्लाह पाक की कसम दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक इससे भी ज़्यादा जलील और बेकीमत है जितना जलील और बेकीमत तुम्हारे नज़दीक एक मुर्दा बच्चा है। फिर आपने फरमाया फरमाया कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली दरिया में डाले फिर निकाले फिर देखे पानी की कितनी मकदार उसमें लगकर आई है। ये फरमाया आपने, मतलब तो ये कि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और दुनिया का जो साजो सामान है ये आरजी है आखिरत के मुकाबले में, और ईमान वाला आखिरत को तरजीह देता है, दुनिया को वो सिर्फ इस हैसियत से इस्तेमाल करता है ये ज़रूरत है, ये मकसद ज़िंदगी नहीं है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लु वलक शुक्र कुल्लु, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وسلم